एक बार ट्रैक्टर चलता है और खेत की मौजूदा अवशेष और नमी में ही गेहूं की बुआई का कार्य संपन्न हो जाता है। जीरो टिल मशीन से गेहूं की बुआई एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें बुआई बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। इस विधि में ना जुताई का खर्च, ना ही पाटा लगाने का झंझट। इतना ही नहीं, इस विधि से 6 से 7 दिन पहले ही गेहूं की बुआई हो जाती है। नवंबर के पहले हफ्ते में जिस खेत में हम गेहूं बो देते हैं सर, जीरो टिल से, और 4 सिंचाई कर देते हैं, तो हमको 20 क्विंटल से ऊपर पैदावार निश्चित मिलेगा। और जब दिसंबर में हम लोग करते हैं तो हमारा पैदावार घट करके 12 क्विंटल 14 क्विंटल पा जा रहा है। पारंपरिक तरीके से की गई गेहूं की बुआई के लिए सामान्यतः 5 से 6 बार जुताई करनी पड़ती है एवं खेतों को समतल करना पड़ता है। यहां तक कि पिछले धान की फसलों के अवशेषों को हटाने के लिए उन अवशेषों को जलाना भी पड़ता है। इस जटिल कार्य की वजह से बुआई में देरी तो होती ही है, साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होता है। यदि तुलना की जाए तो पारंपरिक विधि में 4 से 5 दफा ट्रैक्टर का अधिक उपयोग होता है। इस वजह से इस पुरानी विधि में ईंधन, मेहनत और अधिक पैसा खर्च होता है। जीरो टिल मशीन से गेहूं की बुआई करने से 80% तक ईंधन की बचत होती है। इस विधि में कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ ट्रैक्टरों की घिसावट में भी कमी आती है। अपना भी ट्रैक्टर है तो बहुत ज्यादा जुताई कर रहे हैं, तो आखिर हमारे ट्रैक्टर का भी लाइफ जा रहा है और डीजल खपत बहुत ज्यादा, फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है। जीरो टिलेज में है कि जो हम ट्रैक्टर से एक चास जुताई करेंगे बस उसका भी कॉस्टिंग नहीं आता है, क्योंकि कल्टीवेटर से लोड भी ट्रैक्टर पर कम पड़ता है जीरो टिलेज में, जिसके चलते हम कम आरपीएम पर ही, मिनिमम आरपीएम पर हम मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं अपने ट्रैक्टर से, तो कम फ्यूल ईंधन खपत हुआ, हम ये बचत हुई। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का डिफरेंसेज आ जाता है जुताई वाले सिस्टम में और ये मतलब जीरो टिलेज में। जीरो टिल से गेहूं की बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए तक के बचत के साथ ही पानी की भी बचत होती है एवं खाद व बीज का समुचित उपयोग होने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण होता है। जीरो टिल मशीन से गेहूं की बुआई करने से उर्वरकों की समुचित उपयोग के साथ ही खरपतवारों का जमाव भी कम होता है। जीरो टिल मशीन से गेहूं की बुआई सरल है। जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई करते समय यदि खेत में पहले से खरपतवार हो तो बुआई के 1-2 दिन पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग कर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। फिर खाद एवं बीज सही मात्रा में जीरो टिल मशीन के डिब्बे में रख दिया जाता है। मशीन में लगे लीवर की सहायता से ये सुनिश्चित किया जाता है कि खाद और बीज सही मात्रा में खेत में गिरे। जीरो टिल मशीन की विशेषता ये है कि इसका फाल औंधे टी आकार के दांत या टाइन मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। ये फाल पाइप के जरिए ऊपर खाद एवं बीज के डब्बे में जुड़ा होता है। इस वजह से बुआई के समय बीज एवं खाद उचित मात्रा में अपने अपने पंक्तियों में गिरता है, ना तो बीज व्यर्थ जाता है और ना ही खाद। किंतु सबसे अधिक फायदे वाली बात तो ये है कि इस विधि से गेहूं की बुआई सही समय पर संभव हो पाती है। और इसका फायदा हमको ये होता है कि पछिया हवा से या झड़क से जो नुकसान हो जाता था गेहूं का, वह नुकसान नहीं होता है। और गेहूं का दाना जो है, बाली दाना, ये सब बुलंद आता है। नतीजा है कि अब गेहूं लगभग 1 क्विंटल प्रति कट्ठा हो जाता है। समय से गेहूं की बुआई का वैज्ञानिक आधार भी है। गंगा के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में किसान ज्यादातर गेहूं की बुआई नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले सप्ताह में आरंभ करते हैं। देरी से की गई बुआई से फसल के नुकसान का खतरा काफी बढ़ जाता है। पाया गया है कि मार्च के महीने में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक रहता है। देरी से बुआई के कारण इस समय दाना भरने की बजाय दाना सिकुड़ने लगता है। स्वाभाविक है कि अधिक तापमान की वजह से उपज कम प्राप्त होती है। वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन बताते हैं कि देरी से बुआई एवं दाना पकने के समय में तापमान के बढ़ने से गेहूं के उत्पाद में लगभग 50% तक की कमी आ सकती है। मेरे दाहिने तरफ
ये जीरो टिले से हम लोग लगाए हैं बिना जोता हुआ। और ये बाएं तरफ जो है ये हमारा खेत है, इसमें हम लोग तकरीबन 20-25 दिन के बाद इसको बोए हैं रोटावेटर से जोत करके और ऊपर से छींट दिए हैं। दोनों में फ़र्क इतना नज़र आया कि इसकी बल्लियाँ और इसकी बल्लियाँ देखने में ही फ़र्क नज़र आ रहा है। इसकी बल्लिए में तकरीबन 68 दाने आ रहे हैं और इसकी बल्ली में 35 दाने आ रहे हैं। देखने पर भी लगता है कि प्रोडक्शन इससे दुगना होने का उम्मीद है। अप्रैल में जब हम लोगों का हवा चलने लगेगा, मार्च के लास्ट में भी हवा चलेगा, तो ये तो दाना पक चुका है, ये दाना पूरा पुष्ट हो चुका है, ये अब सूखेगा नहीं। और इसका जो है तो अभी पका नहीं है, इसलिए गर्म हवा जब चलेगा तो ये बिल्कुल सूख जाता है और इसलिए इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। बिहार कृषि विभाग ने गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी अध्यादेश में परिवर्तन करते हुए गेहूं की बुआई 15 नवंबर से पूर्व करने तथा जीरो टिलेज अपनाने की सलाह दी है ताकि लागत घटाने के साथ ही पैदावार भी बढ़े। और इस पर बहुत ही फोकस है सरकार का, क्योंकि ये पंक्ति में शक्ति है और पिछले साल भी लोगों यही था, क्यों नहीं इसमें पूरे बिहार में लार्ज स्केल पर इस विधि को हम डेमोंस्ट्रेशन के रूप में हम करवाएं और ये प्रखंड पंचायत के स्तर पर हो और उसके देख के किसान भी करें कि इसमें कम जुताई जीरो जुताई में क्या उपज है और परंपरागत भी क्या उपज है। इस अभियान के तहत सीसा और राज्य सरकार मिलकर किसानों को जीरो टिल अपनाने की विधि का विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हम लोग का बीज सेटिंग हो गया, सीड का बीज का हो गया और खाद का भी हो गया, तो अब हम लोग मशीन चला सकते हैं। वर्तमान में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार में 3,40,000 किसान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2,80,000 किसान गेहूं की अगेती बुआई करने लगे हैं। जल्दी बिजाई करने के लिए आपको जीरो टिलेज की पत्ती अपनानी पड़ेगी और उसको कारगर करने के लिए हमने एक अच्छा तरीका निकाला है। हमने 1,650-1,700 के करीब जो है सर्विस प्रोवाइडर बनाए हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सरकार की जो सब्सिडी की स्कीम है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं और मशीनें खरीद के किराए पे चलाते हैं और औसतन हमने देखा है कि एक सर्विस प्रोवाइडर 50 एकड़ करीब जो है जीरो टिले से गेहूं लगा देता है। सीसा और राज्य सरकार की इस पहल से आज गेहूं की अगेती बुआई और जीरो टिल अपनाकर लाखों किसानों ने न सिर्फ श्रम एवं लागत में कमी दर्ज की है बल्कि अपनी पैदावार भी बढ़ाई है।